गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7th ऑफ गॉड मदर इंग्लिश स्कूल. टुडे वी स्टार्ट एस ए सब्जेक्ट ऑफ वर्बुक एक्सरसाइज चैप्टर 3rd एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सम ऑफ द पोर्शंस ऑफ दिस चैप्टर एंड ड्यू टू COVID-19 वी हैव टू स्टार्टेड ऑनलाइन स्टडीज ऑन यूट्यूब. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द 4th एक्सरसाइज एंड देन वी स्टार्ट 5th एक्सरसाइज इन विच वी हैव कंप्लीटेड 5 क्वेश्चन. And today we start the 6th question, which was what is the function of the judiciary? यानी judiciary का क्या काम होता है. तो देखो इसमें answer है the implementations of justice and its takes action against offender is the functions of the judiciary. तो देखो judiciary का काम ये होता है कि वो justice को implement करे, यानी उसको लागू पे लाए और जो offender होते हैं उसके खिलाफ strict action ले. ठीक है. 7th number, what is mean by federal government? तो देखो federal government का मतलब क्या होता है. इसका आंसर है फेडरल गवर्नमेंट इज अ सिस्टम ऑफ डिवाइडिंग ए पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट एंड दैट आर कनेक्टेड टू वन अनदर द नेशनल गवर्नमेंट. ठीक है. तो यहाँ पे देखो फेडरल गवर्नमेंट क्या करता है. तो फेडरल गवर्नमेंट ऐसा एक सिस्टम है जो पावर डिवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में. ठीक है. और ये दोनों ही जो है किससे कनेक्ट होते हैं, तो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और दोनों मिलके क्या करते हैं, तो नेशनल गवर्नमेंट बनाते हैं. ठीक है. 8th नंबर, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल कॉल्ड. तो देखो जो गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे होती है उसी को क्या कहा जाता है. तो देखो जो गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे होती है उसे सेंट्रल या तो यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है. यानी कि द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज कॉल्ड सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है. 9th नंबर, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल कॉल्ड. तो देखो जो गवर्नमेंट स्टेट लेवल में होती है उसे क्या कहा जाता है. तो इसका आंसर है द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. जो भी गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे काम करती है उसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है. 10th नंबर, हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन लेजिस्लेटिव बॉडी एंड व्हाट आर दे कॉल्ड. ठीक है. तो लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर कितने हाउसेस होते हैं. तो देखो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है दो घर होते हैं, यानी दो हाउसेस होता है. एक होता है लोअर हाउस और एक होता है अपर हाउस. ठीक है. यानी इसका आंसर होगा देयर आर टू हाउसेस इन द लेजिस्लेटिव बॉडी, द लोअर हाउस एंड द अपर हाउस. ठीक है. क्वेश्चन 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर द ऑर्गन्स बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड व्हाई आर दे नेसेसरी. तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन से हैं और वो जरूरी क्यों है, उसके बारे में हमको आंसर देना है. तो यहाँ पे इसका आंसर है देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. फर्स्ट वॉज लेजिस्लेटिव बॉडी, सेकेंड वॉज एग्जीक्यूटिव बॉडी, थर्ड वॉज जुडिशरी एंड दे आर नेसेसरी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन. तो देखो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं. पहला होता है लेजिस्लेटिव बॉडी, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी और तीसरा होता है जुडिशरी. ये तीनों ही जरूरी होता है क्योंकि गवर्नमेंट को वर्क करने के लिए इन तीनों की जरूरत पड़ती है. ठीक है. यानी कोई भी अगर काम करना है तो ये तीनों का होना जरूरी है. ठीक है. सेकेंड नंबर, वॉट वुड हैपन इफ देयर वॉज नो जुडिशरी. यानी इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया, अगर कोई कानून नहीं बना होता तो क्या होता. ठीक है. तो इसका आंसर है इफ़ देयर हैड बीन नो जुडिशरी देन द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल माइट नॉट बीन कंजर्व, पीपल वुड हैव फेस ह्यूमिलिएशंस डिस्क्रिमिनेशंस वायलेंस इन एवरी फील्ड. तो देखो यहाँ पे अगर कानून नहीं बनते ना तो किसी को भी जो है अपना अधिकार नहीं मिल पाता और सब लोगों को जो है क्या फेस करना पड़ता, तो ह्यूमिलेशन से फेस करना पड़ता, भेदभाव फेस करना पड़ता और सब जगह झगड़े ही झगड़े होते सब सेक्टर. ठीक है. यानी हम बोल सकते थे कि सिटीज़न के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं रहता, लोग एक दूसरे से झगड़ा करते. ठीक है. ये सब चीज़ें होती हैं और जिसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो सब भी नहीं मिलता. ठीक है. थर्ड नंबर, व्हाई इज़ इट नॉट पॉसिबल टू एडमिनिस्ट्रेट द होल ऑफ इंडिया फ्रॉम वन प्लेस. तो देखो इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि इंडिया को, पूरे इंडिया को जो है एक ही जगह से क्यों एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, यानी क्यों नहीं चलाया जाता. ठीक है. एक ही जगह से क्यों नहीं चलाया जाता, एक ही गवर्नमेंट क्यों नहीं होती. ठीक है. तो इसका आंसर है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एडमिनिस्ट्रेट द होल ऑफ इंडिया फ्रॉम वन प्लेस बिकॉज इफ द एडमिनिस्ट्रेशन वेयर सेंट्रलाइज मैनी प्रॉब्लम्स वुड अराइज एंड विल कॉज इनकन्वीनियंस टू द सिटीजन विल बी इनकन्वीनियंस. तो यहाँ पे क्या है, तो देखो एक जगह से देश को नहीं चलाया जा सकता, यानी पूरे इंडिया को नहीं चलाया जा सकता है. उसका मेन कारण यह है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज हो गया, यानी एक ही जगह से चलने लगा था, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे और लोगों को जो है अपना मतलब बात रखने का, थॉट बताने का, ये सब का अधिकार भी नहीं मिलेगा और उनको ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी तो
सिटीजन भी जो है वो कन्विंस नहीं होंगे, ठीक है, वो इनकन्विंस हो जाएंगे, ठीक है, यानी जो चीज़ होनी चाहिए वो सब चीज़ें अच्छी तरह से हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसी के वजह से जो है पूरी कंट्री में एक ही एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, ठीक है, एक जगह से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है और सब जगह पे पावर्स को जो है बांटा गया है। क्वेश्चन सेवन, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कैन वन नॉट यूज लाउड स्पीकर इन पब्लिक प्लेस आफ्टर 10 PM, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि क्यों एक इंसान जो है पब्लिक प्लेस पे लाउड स्पीकर नहीं बजा सकता है 10 बजे के बाद। तो इसका मेन कारण क्या है, तो इसका आंसर है बिकॉज इट्स कॉज नॉइस पॉल्यूशन एंड दे कॉज मैक्सिमम प्रॉब्लम्स टू द चिल्ड्रन एंड द एल्डरली पीपल, दे हैम्पर स्टडीज एंड स्लीप्स। बिसाइड द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1986 प्रोहिबिट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर विदाउट पायरर परमिशन एट पब्लिक प्लेस आफ्टर 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि लाउड स्पीकर जो है वो नॉइस पॉल्यूशन फैलाता है और यही चीज़ जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको करती है, तो बच्चों को और बूढ़ों को, ठीक है, नहीं जो बुजुर्ग होते हैं उनको, ठीक है। और बच्चों को किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो देखो बच्चों को जो है पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है और बूढ़ों को यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें सोने के लिए सोने में भी तकलीफ होती है, ठीक है। और इसके अलावा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया के हिसाब से 1986 में जो बनाया गया था, ठीक है, उसमें लिखा गया है कि लाउड स्पीकर को जो है परमिशन यानी विदाउट परमिशन जो है पब्लिक प्लेस पे 10 बजे के बाद नहीं बजा सकते। अगर तुम्हें पब्लिक प्लेस पे लाउड स्पीकर बजाना है तो उससे पहले तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, यानी परमिशन ले अगर अगर तुम 10 बजे के बाद अगर म्यूजिक बजाओगे तो तुम्हें जेल भी हो सकती है, ठीक है। सेकेंड नंबर, वाई कैन वन नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर्स ऑन द पब्लिक रोड। तो क्यों एक इंसान जो है पब्लिक रोड पे फटाके नहीं फोड़ सकता, ठीक है, तो इसका मेन कारण क्या है, तो उसका आंसर हम पढ़ते हैं, बिकॉज इट स्प्रेड टॉक्सिस गैस एंड पॉल्यूट द एयर, इट वुड बी हार्ड फॉर अस्थमेटिक पेशेंट टू ब्रीथ दैट एयर एंड दैट इज पॉल्यूटेड। This is also cause sound pollution which is harmful for us or it may disturb the residents who are living near that road. तो देखो यहाँ पे क्या होता है, फायर क्रैकर को जो है पब्लिक प्लेस में फोड़ने से क्या हो सकता है, तो देखो सबसे पहले फायर क्रैकर से जो है ना टॉक्सिस गैस निकलती है जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, और इसके अलावा यही गैस जो है सबसे ज़्यादा जो है एयर को पॉल्यूट भी करती है, ठीक है। और एयर को पॉल्यूट करने के वजह से क्या होता है, जो अस्थमा पेशेंट होते हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, ठीक है। और दिस इज आल्सो कॉज साउंड पॉल्यूशन, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, तो अस्थमेट पेशेंट जो होता है उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है क्योंकि उनको फ्रेश एयर नहीं मिलेगी तो उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये फायर क्रैकर से जो है साउंड पॉल्यूशन भी होता है जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए, ठीक है। और इसके अलावा ये फायर क्रैकर फोड़ने से क्या होता है, आसपास जो रोड के आसपास जो घर है उन लोगों को रहने में भी यानी घर पे शांति से सोने में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है, यानी वहाँ पे आवाज़ जाती है और उनको डिस्टर्ब होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो इसीलिए जो है एक कोई भी जो है पब्लिक रोड में फायर क्रैकर्स नहीं फोड़ सकता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई आर लॉज फ्रेम, तो लॉ क्यों बनाए गए हैं, तो देखो इसका आंसर है, लॉज आर फ्रेम्ड फॉर कंट्री सो दैट देयर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन दैट ए सोसाइटी मस्ट फॉलो, देयर एग्जिस्ट पीस एंड हार्मनी अमंग द सिटीजन्स, ऑल पीपल्स गेट फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एवरी फील्ड। तो देखो लॉ इसलिए बनाए गए हैं कि ये लॉ एंड रेगुलेशन से क्या होता है, तो कंट्री जो है एकदम कंट्री के सिटीजन जो है वो एकदम काबू में रहते हैं, इसके अलावा सोसाइटी को जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने ही पड़ते हैं, और इसी रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से जो है सब जगह पे शांति बनी रहती है, ठीक है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगी तो सब जगह पे वायलेंस क्रिएट होगा, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होगा और उससे कंट्री को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। और लॉज इसलिए फ्रेम किए जाते हैं क्योंकि एक कंट्री में जो है शांति बनी रहे और सब लोग जो है एक साथ मिलजुल कर रहे, और इससे क्या होता है कि अगर लॉज बनते हैं तो सब लोगों को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी और
मौका मिलता है हर फील्ड में, यानी सब लोगों को जो है राइट्स दिए जाते हैं जिसमें इक्वलिटी की बात होती है, और उनको ये बोला जाता है कि तुम्हें इक्वल राइट्स मिलता है सब जगह पे, यानी कोई भी फील्ड में अगर तुम नौकरी करने जाओ या एजुकेशन लेने जाओ या एडमिशन लेने जाओ तो वहाँ पे तुम्हारे साथ कोई भी तरह का भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। तो लॉ इसलिए ज़रूरी है। तो ये एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट हुई, तुम्हें अपनी वर्कबुक में ये चीज़ कंप्लीट करके रख देनी है। थैंक यू।